वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए करीब 2065 करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना रद्द कर दी है। वर्ल्ड बैंक के अधिकारी के मुताबिक यह फैसला सरकार के प्रस्ताव वापस लेने के बाद लिया गया है। हालांकि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट का नाम अमरावती सस्टेनेबल कैपिटल सिटी डेवलपमेंट है। वेबसाइट के मुताबिक प्रस्तावित राजधानी के निर्माण के लिए इस परियोजना पर करीब 4,923 करोड़ रुपए खर्च होना है। इसमें करीब 2065 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक मुहैया करवाने वाली थी, जबकि 1,376 करोड़ रुपए का कर्ज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB देगी। बीजिंग स्थित यह बैंक इस परियोजना की सहयोगी है। सिविल सोसाइटी ने आपत्ति जताई थी इस परियोजना पर। राज्य के पर्यावरण कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इससे कृष्णा नदी के पानी में उफान आएगा, जिससे खेती योग्य उपजाऊ भूमि और जंगलों का नुकसान होगा। भूमि अधिग्रहण से करीब 20,000 लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडराएगा। 2017 में पैनल को चिट्ठी लिखा था। प्रस्तावित शहर के आसपास के रहवासियों ने वर्ल्ड बैंक के निरीक्षण पैनल को 25 मई 2017 को एक पत्र लिखा था। इसमें प्रोजेक्ट निर्माण से लोगों की आजीविका, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और पुनर्वास की समस्याएं उत्पन्न होने का जिक्र किया था। उन्होंने इस कार्य में पर्यावरण और सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं करने की बात भी कही थी।